गल कैनेडा स्टडी वीज़ा की करिए जिनी तेज़ी दे नाल फाइल्स लग रही ने कैनेडा दे लई उन्नी तेज़ी दे नाल इनटेक्स भी फुल हो रहे ने, पर हुण वेरीफिकेशन भी एक शुरू करन जा रहा है कैनेडा। आखिर वो किहड़ी वेरीफिकेशन है, किस ढंग नाल ये वेरीफिकेशन होएगी, स्टूडेंट्स नूं अपनी तैयारी किस तरीके नाल रखनी चाहिए है, और इस वेरीफिकेशन का स्टूडेंट्स नूं की फायदा भी हो सकता है। सो ये नवे अपडेट बारे पूरी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करांगे। स्वागत है जी सारयां दा, मैं हाँ हरजोत कौर, और कैनेडा स्टडी वीजा के इन्होंने खास अपडेट्स लैके पूरी जानकारी थोड़े न साझी करेंगे नैविगेटर्स ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल, नमस्कार। सो मैम, कैनेडा लगातार स्टूडेंट्स के हित विच कई चंगे अपडेट्स पिछले समय विच असी देखे ने, पर हुण ये जिहड़ी वेरीफिकेशन शुरू होने जा रही है इस नूं लैके भी मैं जरूर पूरी जानकारी थोड़े तो चाहांगी ताकि स्टूडेंट भी इस वेरीफिकेशन के हर पॉइंट नूं समझ सकन। देखो इदा कि कैनेडा बच्चा बहुत गया, एक छोटी जी मिथ आई इतने जॉब नहीं मिल रहा, वो भी गलत है, वह भी मैं तुम्हें दसूँगी किदा गलत है, राइट। और जी वेरीफिकेशन बच्चा ज़्यादा गया, कई बच्चे गलत तरीके नाल चले गए, गलत तरीका की होया, मे बी एजेंसी तरफ तो होए, क्योंकि एलओ आई जी सॉरी एलओ ए लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस वो फेक सीगियाँ और बच्चा पहुँच गया। कॉलेजेस दे विच बच्चा है ही नहीं, फेक एलओ ए तो बच्चा पहुँचे, इस करके जड़ा हुण अंबैसी जड़ी है वो कॉलेज तो पहले पता करेगी एलओ ए तुसी इशू कीती है नहीं कीती है, बहुत बड़ा फ्रॉड होया पिछे तुहानू पता ही है, ठीक है। हुण जद उधरों कन्फर्मेशन आ जाएगी कि लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस असी इशू कीती है, जिन्हों तुसी कह लो कि फीस दी रसीट है ना, वो ही आस्ट्रेलिया दे विच उन्नों सी ओ ई कहिंदे आ, और यूके दे विच उन्नों कैस कहिंदे आ सी ए एस है ना। इदा ही एलओ ए जिहड़ी है तुहाडी फी लैटर है जिहदे बेस ते तुहाडी अप्रूवल हुंदी है वीज़े दी, वो हुण अंबैसी जिहड़ा है कॉलेज तों पर्टिकुलर जिहड़े भी कॉलेज दी एलओ ए है उस कॉलेज नूं मेल जाएगी, उधरों कन्फर्मेशन आएगी और उहदे बाद ही तुहाडा जिहड़ा वीज़ा, मतलब बच्चा कोई फेक ते नहीं जा रहा, ये मेन परपज़ है। तो क्योंकि इन्ना बड़ा स्कैंडल होया पिछे 3000 स्टूडेंट्स का मेरे ख्याल से जिहड़ा स्कैंडल निकलिया जी, और वो है भी गवर्नमेंट कॉलेज सीगा, इसे करके सारे चेंजेस हुण आ रहे। सो मैम, जिवें हुण एलओ ए वेरीफिकेशन ऐड हो जाएगी तो कि इस नाल प्रोसैस विच भी थोड़ा आपां देखांगे कि प्रोसैस थोड़ा लंबा होएगा वीज़ा जी। तो हुण देखो एलओ ए वास्ते वीज़ा ऑफिसर को फाइल आई, पहले तो की है वीज़ा ऑफिसर ने सारी जिहड़ी फाइल है देखी, उन्होंने ठीक लगे वीज़ा नाल दी नाल ग्रांट हो जाता सीगा, पी पी आर रिक्वेस्ट जिन्हों कहने से आ जाते हैं। हुण नैचुरल पहले फाइल आएगी, सिस्टम तो थोड़ा जहा लंबा हो ही गया, फाइल के बाद जब उन्होंने लगेगा ये बच्चे असी देनी है या नहीं देनी, लेकिन पहले कॉलेज मेल जाएगी। हुण मेल जाएगी तो कॉलेज का भी वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया, उन्होंने को सीटा होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, हर मेल का जोड़ा रिप्लाई आना जरूरी है। मान लो किसी ऑफिसर तो कोई मेल ना देखी गई या कुछ, वो एक रिस्क रहना, और फिर जब मेल आएगी वो बाद जड़ा वीज़ा अप्रूवल होएगा। ये डिपेंड करता है कि वीज़ा ऑफिसर की तरफ तो किन्नी क्विक गई और उधरों किन्नी क्विक आई। वैसे मैक्सिमम कॉलेजेस जेडे ना कैनेडियन है, इंडियन तो है नहीं कि इतने सिस्टम साडा स्लो चलता है, उन्हों का सिस्टम बहुत फास्ट है और बंदे जड़े काफ़ी फास्ट काम करते हैं, तो इस करके जड़ा कि तुम ये समझो कि तुहाडा जड़ा इमीडिएट जिन्ना वीज़ा ऑफिसर तुहाडा फास्ट होएगा और जिन्ना कॉलेज का जिहड़ा प्रोसैसिंग फास्ट होएगी, जिहड़ा भी ऑफिसर बैठे उन्ना ही क्विक हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि 1 वीक तो ज़्यादा पूरे सिस्टम च हो सकता, उस तो भी घट टाइम लगे जी, बिल्कुल। सो किते ना किते वाकई सिस्टम विच रिक्वायरमेंट सी कि यह जी वेरीफिकेशन रखी जावे ताकि स्टूडेंट्स नाल भी फ्रॉड होने वाली जिहड़ी असीं बहुत सारी देखियां न्यूज़ खबरां। देखो इसका एक लंबा बेनीफिट होएगा, जिहड़ा हुण स्टूडेंट कहिंदा काम नहीं मिल रहा या कुछ, जिहड़े बच्चे इहो जिहे पहुंचे जिन्हां दे विच कोई स्किल नहीं है वो जॉब मार्केट नूं भी प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा उन्हां नूं भी पैसा नहीं पहुंचा, कॉलेजेस नूं भी नहीं पहुंचा, और जिहड़ा स्टूडेंट जेन्यून जा रहा है उहनूं भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये स्ट्रिक्ट होने की है कि सही बच्चा पहुँचेगा और जिहड़ी प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म
जबकि जॉब की मैं तुहानू दसा उत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्ट भी आपां इहदे बाद कवर करिए उस चीज़ नूं, लेकिन जिहड़ी एलओए वाली चीज़ है ये बहुत जेन्यून और बहुत अच्छा होया ये काम आउंदा। हुण जॉब की आपां गल करिए, जिहड़ा स्टूडेंट प्लस टू आर्ट्स करके गया ठीक है, और जिन्हें आयल्स का भी कोई बहुत अच्छा नहीं, कोई नकली आयल्स बनाई, कोई फर्जी, जिहड़ा बच्चा ज गलत एलओए ते जा रहा है, आई डोंट थिंक वो आयल्स भी जेन्यून होएगी। वो बच्चे दे विच स्किल ही नहीं है तो उन्हें जॉब किधरों मिलेगी। जे तुहाडे च कोई भी स्किल है तुसी जाके ऑनलाइन देखो, हैल्थ कोर्सेस च जाओ, कोई मर्जी हैल्थ कोर्स च जाओ, उत्थे शॉर्टेज चल रही है मेडिकल स्टाफ दी, किसे मर्जी, चाहे वह सोशल केयर होए, चाहे वह कम्युनिटी वेलफेयर होए, चाहे वह चाइल्ड केयर होए, किस गैरंटिड जॉब्स हैं इन्हों कोर्सेस दे विच। अक्वा कल्चर च जाओ, फार्मिंग च जाओ, तुसी देखो, तुसी आप गूगल सर्च करो, तुहानू दिखाई दे जाएगा। मेरी कॉलेज तो जस्ट आने तो पहले इत्थे गल होई है, कहिंदे सब तो ज़्यादा रिटेल दी जॉब्स बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटैलिटी दी जॉब्स बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम कितने आ रही, कम्युनिकेशन स्किल। जिहड़ा साडा स्टूडेंट जाता है वो कहता कि मैं बोलना ना बोला मैं जॉब मिल जाए, वो तो फिर बिल्कुल ही बंदा कोई है ही नहीं कंट्री से, वो जिदा मर्जी गुजारा करेंगे। अदरवाइज तुहाडी कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, तुहाडे कोल कोई टैलेंट है, तुसी जान तो पहले जब तुहाडा कोर्स शुरू हो रहा है, तुसी कैनेडा दी जिहड़ी है तुसी ऑफर लैटर अप्लाई कर दो, उस टाइम तुसी एक छोटे मोटे कोर्स शुरू कर दो, तुहानू उत्थे जॉब की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मैं गारंटी देनी है कैनेडा वास्ते ना तुहानू कोई जॉब की प्रॉब्लम आएगी, तुसी जानदे हो कोर्सेज असी दसांगे किहड़े कोर्सेज दे विच तुहानू 101% एक साल का मीनस 8 महीने पढ़ के 9 महीने पढ़ के तुसी PR अप्लाई कर सकदे हो, उहो जे कोर्सेज भी है, बट टैलेंट तुहानू लिआउणा है। और तुहानू एक पैसे का ईवन अंबैसी फीस का भी असी तुहानू लॉस नहीं होण देवांगे। जी जी बिल्कुल, सो ढेर सारे चंगियां ऑप्शंस मैम कोल अवेलेबल ने, सो स्टूडेंट जरूर मैम दे इस तजर्बे का फायदा ले सकते हैं। सो इस तरह के प्रोग्राम जिस विच जल्दी तो जल्दी तुहानू PR भी मिल सकती है, काम नू लेके भी कोई दिक्कत नहीं है। सो यही तो स्टूडेंट चाहता है, यही तो उन्होंने पेरेंट्स चाहते हैं। सो जरूर अगर तुम इस बारे पूरी होर जानकारी लेना चाहते हो, नंबर डिस्प्ले है जी लगातार, इस उपर कॉल करके तुम नैविगेटर्स ओवरसीज की टीम के नाल राबता कायम कर सकते हो। मैम नू मिलना चाहते हो परसनली तो जरूर ऑफिस आओ, इन ऑफिस विजिट करो, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ताकि तुहाडे डॉक्यूमेंट्स की असैसमेंट करके सही चीज़ें सही ऑप्शंस तुहानू गाइड कीतियां जा सकन, ते तुसी अपने फ्यूचर दे लई सही डिसीजन लै सको। बहुत बहुत थैंक्स मैम, ये सारी जानकारी या तुसी स्टूडेंट्स नाल सांझी कीती है, ते अगों भी असी स्टूडेंट्स लई इसे ढंग नाल होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल ही सानू दिओ जी इजाजत, थैंक यू सो मच।